यादव का रोड शो। भारी संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में मौजूद। तीसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार चुनाव प्रचार चरम पर है और कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो आज हो रहा है। आज चुनाव प्रचार का तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इसी वजह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके जो नेता हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और कानपुर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में। कानपुर से अखिलेश यादव के रोड शो की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका रोड शो शुरू हुआ और इसके बाद कई जगहों से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कैंट विधानसभा में अखिलेश यादव अपना पराक्रम दिखाते हुए रोड शो करते हुए और कई कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में रोड शो में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कानपुर से ये अखिलेश यादव का रोड शो, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, इसीलिए तमाम जो दिग्गज हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। रामलला विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों, ये राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, राष्ट्र मंदिर। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से भी विकास एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। और आज भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन भी मिला कि नहीं मिला है? कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? सड़क के उस पार कितने लोगों ने लिया है वैक्सीन? थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलो भाई। देखो, मेरी सभा में डरने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी आप तो बहादुर हैं, आप तो बड़े बहादुर हैं, आप तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं। और आज तो मैं स्वयं ही यहां पर आया हूं आपके बीच में, आज कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? दोनों हाथ ईमानदारी से खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए। भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। देखो ना, यहां पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, स्वघोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन नहीं लेंगे। आप सोचिए, अगर ये वैक्सीन नहीं लेते तो कोरोना महामारी हमें छोड़ती क्या? ये तो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। यानी ये बेचार, ये व्यक्ति हमारा हित चिंतक नहीं, हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आप मुझे बताइए, जो संकट का साथी है वही साथी होगा ना? शेष तो अवसरवादी होंगे ना? और उस समय समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, कहा था ना? आज भाइयों बहनों,
उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बची है तो फिर वोट भी इसी भाजपा को देना है और मोदी जी के आह्वान पर ही देना है। आप तय कर चुके हैं ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में आपको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मिलता था क्या? वहां पे तो उनके गुर्गों के लिए पूरा नहीं होता था, पूरे प्रदेश में ऐसे झपटते थे वे जैसे भूखे नंगे हो, पूरे प्रदेश को नोच खाना चाहते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, तो दो तस्वीरें आप देख रहे थे, जिस एक तरफ अखिलेश यादव कानपुर में रोड शो कर रहे थे तो दूसरी तरफ